भी मार देगी और जल्दी मेरी बाइक में अलग अलग एंड बाकी इसके ऊपर भी मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपनी आरएक्स का परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये टाइट कर लेते हैं सही से। अरे भाई मेरे से थोड़ी दिख जाएगी यार, अब निकलिया सब थ्रॉटल में छोड़ा था पर लेकिन अपन को कर लेगी देखो, ये तो चीज ही अलग है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटराज। तो स्वागत है भाई आपका एक और अच्छे से एपिसोड में, और अपनी आरएक्स का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा अभी आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होगे मैं कहाँ जा रहा हूँ इतनी तेज अपनी आरएक्स को लेके, तो भाई मैं जा रहा हूँ एक राइड पे मोहित भाई के साथ। मोहित भाई की भी आरएक्स ठीक हो चुकी है ना, तो कल उसको लेके आ गए थे हम 6 तारीख को, आज 7 तारीख है। तो अभी हम दोनों ने डिसाइड किया है कि एक राइड हो जाए दोनों 2 स्ट्रोक्स पे। तो भाई आज की राइड जो है वो धमाकेदार होने वाली है। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट मोहित भाई के पास उनकी आरएक्स के साथ। तो भाई जैसा कि अभी गांव से निकल रहा था, मैं आपको बताया मैंने कि हम एक राइड पे जा रहे हैं, तो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे, और हाईवे पे इसलिए रुके हैं ताकि आपको दोनों बाइक्स दिखा सकें। तो दोनों बाइक साथ आ चुकी है, मोहित भाई की बाइक है एक अपनी बाइक है। तो भाई लेजेंड है, अपने चैनल पे आप देखते रहते हो। तो भाई धूप बहुत हो रही है, मतलब मेरी आँखें भी निकल रही है, ठीक है। और यहाँ कुछ ऐसा हाईवे है, ये आप देख सकते हैं। ये तो पीछे बाइक्स खड़ी हुई है, आपको बाइक्स दिखाता हूँ। देखो ये दोनों बाइक्स खड़ी हुई है, ये मोहित भाई की है ऑटोमोड, और ये अपना लेजेंड है भाई, जैसा कि आप सब जानते ही हो। भाई बहुत सी बाइक्स को खाया है भाई इसने, और भाई इसमें गजब की पावर है। और मैं आपको बता रहा था कि इसमें इसकी पावर का सीक्रेट है, वो भाई आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेगा। और आप सब बोल रहे थे ना कि भाई आरएक्स का कंटेंट लेके आओ, तो भाई आ चुका हूँ मैं आरएक्स के कंटेंट के साथ। और अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, मतलब 1-2 दिन में वीडियोस में डालूंगा और आरएक्स के ऊपर ही आएंगे। तो कमेंट करके बताना किस चीज़ का ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो आज की राइड जो है वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना और आरएक्स के लिए कमेंट जरूर करके जाना, और ये भी बताना कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। तो और जो आगे की बात है भाई, अपने करते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे। चलो आ चुका हूँ मैं अपने मोटो ब्लॉग सेटअप पे, दोनों बाइक स्टार्ट खड़ी हैं। इसका साउंड सुनो और आपको इसका सुनाता हूँ। देखो अभी इसमें भी जाली निकाल दिया, वैसे भी शॉर्ट देख लेना। तो कुछ ऐसा साउंड है, और वहाँ की भाई इसका रनिंग साउंड देखना, क्या मजा आने वाला है। चलो भाई चलते हैं। अब आएगा मजा। चलो भाई आओ। तो आई होप व्यू भी अच्छा आ रहा है आपको शायद। तो राइड हो चुका अपनी स्टार्ट। भाई ये रही भाई की आरएक्स, और ये भाई अपनी। ओ भाई देखो ये भाई अपनी आरएक्स का परफॉर्मेंस। एक आपको स्टेच दिखाएं। ये स्टेच भाई देखो, ये पावर है भाई मेरी आरएक्स की। ये भाई अजीब ही है, ये देखो भाई अजीब है मेरी आरएक्स। मतलब 110 पहुंच चुकी है, ये 110 पहुंच चुकी है, 110 भाई आ रहे हैं अभी। मैंने छोड़ दिया, ये देखो अब भी मार देगी और जबकि मेरी बाइक में अलग अलग हुए हैं। अब भाई स्लो कर लेते हैं थोड़ा, जबकि मेरी बाइक में अलॉय डले हुए हैं भाई। वो राज ना आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा कि भाई मेरी आरएक्स इतना भागती क्यों है। मतलब यार अलग ही मजा आ रहा है सच में। पहली बार मतलब 2 स्ट्रोक पे राइड कर रहे हैं हम, और अपनी बाइक से दोनों, जैसे कि भाई की है और ये अपनी है। भाई आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बताना जरूर। बिल्कुल खाली हाईवे है बस, और क्या ही चाहिए एक राइडर को।
बस खाली रोड़ो और भाई बाइक हो भाई अच्छी अच्छी और भाई इनसे अच्छी कैरी होगी यार। सच में यार जैसे सुपर बाइक्स को रिएक्शंस मिलते हैं ना, ऐसे ही रिएक्शन मिलते हैं दोनों बाइक्स को। और आपको एक चीज़ बताओ, आने वाले जो वीडियोस है ना वो अपनी आर एक्स के परफॉर्मेंस टेस्ट के ऊपर होंगे, क्योंकि अभी जो इसमें हमने काम किया है भाई वो पिस्टन का और कनेक्टिंग रॉड का तो वो चेंज हुई है, तो वो थोड़े बड़े डले हैं और उससे क्या है थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है मेरे को। एंड बाकी इसके ऊपर भी मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपनी आर एक्स का परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तीन काम मैंने करे हैं और उनकी वजह से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मोहित भाई मज़ा आ रहा है? मोहित भाई को आवाज़ नहीं आई है क्योंकि लाउड ही इतनी है, दोनों बाइक बहुत ज़्यादा लाउड है यार ये। अब पहले उसमें जाली लगी हुई थी, अभी मैंने शॉट डाला होगा अपने चैनल पे तो जाके देख लेना मोटरार्ट्स पे, तो मतलब विदाउट जाली और जाली के कैसे साउंड करते हैं। ऐसे ही चलेंगे भाई आराम से क्रूज करते हुए चलेंगे 60-80 तक, ऐसे ही मज़ा आएगा भाई चलने में। देखो ये है इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ये देखो ये इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। और अभी ना इसकी थोड़ी ब्रेकिंग पे भी काम करना है, और मतलब इसकी जब ब्रेकिंग तगड़ी हो जाएगी ना भाई, भाई क्या ही मजा आएगा इसको चलाने में। देख रहे हो भाई कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं, एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर रिएक्शंस देखो। यार मेरे को प्यार है भाई तेरे से प्यार। ये देखो मोहित भाई पूरा एड्रेनलिन रश। भाई रिएक्शन मिलते हैं भाई बाइक को, एक से एक रिएक्शन। ये देखो ये देखो। रिएक्शन देखे भाई अभी आपने, मतलब बस से भाई लड़के देख रहे हो भाई, एक लड़का जो है ना बाइक को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है भाई। उसकी लाइफ में जो एक सबसे प्यारी चीज होती है ना वो बाइक है। भाई साहब आज की राइड ना मेमोरेबल होने वाली है भाई, बहुत ज्यादा यार, बहुत याद रहेगी आज की राइड सच्ची में। तो भाई हमने टू स्टॉक पे भी राइड मारी थी, वैसे भाई ये लास्ट राइड नहीं है, ये लास्ट राइड नहीं है, राइड और भी होंगी इस पे और हमेशा होती रहेगी। भाई आप कमेंट करो आपको क्या चाहिए भाई, आर एक्स से रिलेटेड कंटेंट देखना है तो भाई जरूर कमेंट करो। आर एक्स यामा, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, डेफिनेटली मेल। ये देखो भाई मजे लेता हुआ पूरे भाई टू स्ट्रोक के, टू स्ट्रोक बॉयज ऑन रोड। ओ भाई आप क्या चिपक गए। मतलब यार कितना ही फोन आ सकता है एक बाइक चलाने में भाई, अगर आपको रियल लाइफ चाहिए ना भाई एक टू स्ट्रोक बाइक ले लो अपनी लाइफ में यार, सच्ची में एक टू स्ट्रोक ले लो। भाई मेरे को लग रहा है मेरी मेरा क्लच का तार टूट गया है, मेरी क्लच का तार टूट गया है मेरे को लग रहा है। भाई मेरा क्लच गया भाई, चलो भाई राइड नहीं रुकनी चाहिए, मेरी क्लच का तार टूट गया है देखो, ये देखो भाई फ्री चल रही है बिल्कुल, पर राइड नहीं रुकनी चाहिए।
रोकते हैं भाई, देखते हैं अब क्या हुआ है। क्लच क्लच टूट गई क्या? ना तार 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 टूट गया तार। हाँ तार, देखो एक मिनट दिखाता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ स्क्रू स्क्रू ढीले हो गए इसके भाई ये। कोई बात नहीं भाई, इनको टाइट कर लेते हैं ना भाई। पूरा जुगाड़ लेके आया है, पता क्या हुआ भाई? देखो देखो क्लच का ना तो तार टूटा है, ये देखो स्क्रू निकल गया भाई इसके। देखो ये शायद सही से टाइट नहीं हुए होंगे, तो भाई ये दो स्क्रूज पे चल रहा है। हाँ 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 हाँ, वाइब्रेशन से। कोई नहीं कर लेते हैं भाई। भाई स्क्रू नहीं है, ये दो स्क्रू है ना, टाइट कर लेते हैं इनको, हो जाएगा। भाई स्क्रू ढीले हो चुके हैं यार इसके। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इसको भी अभी यार, इसको कस लेते हैं भाई। मैं ये कह रहा बहन जो क्लच काम नहीं कर रही भाई, ये टाइट कर लेते हैं सही से। भाई क्लास वगैरह लेके चलता हूं, भाई भरोसा नहीं है ना इसका। हां भाई अब मैं प्रॉपर टूल लेके चला करूंगा भाई। अच्छा ये पड़ी बनाई ली है बनवाई है। हां भाई लग रही है क्लच, लग रही है, लगेगी अब तो, लगेगी ये भाई रिस्टोर कर भाई बनवाई है। तो भाई हो चुकी है अपनी बाइक। एक्चुअली क्या है ना, उसके बोल्ट जो है ढीले हो गए थे, खुल गए थे बोल्ट। तो चलो भाई दोबारा राइड स्टार्ट होगा भाई, राइड नहीं रुकनी चाहिए। वो ना जो उसका एक वो कवर होता है ना, तो उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो टाइट है तो भाई आपका क्लच बहुत अच्छे से चलेगा। उसके क्या है, बोल्ट ठीक से टाइट नहीं हुए होंगे, इसलिए क्या है वो जो कवर है साइड में, इंजन जो कवर है जहाँ पे क्लच होता है इसका, मतलब जहाँ क्लच वर्क करता है, तो वो क्या है उसके बोल्ट्स निकल गए। और वो अगर मैं क्लच ले रहा था तो वो कवर ऐसे बाहर आ रहा था, प्रेशर ही नहीं बन पा रहा था उसमें। तो अब हो गया है ये ठीक, तो अब चलते हैं भाई, राइड कंटिन्यू करते हैं अपनी एक नंबर। मतलब भाई ना पहले ही प्लायर और स्क्रू ड्राइवर्स लेके आया था, ताकि अगर कोई चीज़ मतलब लूज हो तो उसको हम टाइट कर सकें। वैसे हम जो प्लायर लेके आए थे वो जाली के लिए लेके आए थे, जो इसका मफलर होता है उसको निकालने के लिए, बट वो यहाँ भी काम आ गया। तो अभी भाई लगी है भूख, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। और हम निकले तो वैसे दोपहर में ही थे थोड़ा, क्योंकि 11 बजे निकले थे हम, तो इसीलिए तक इसलिए नहीं खाया। सोचा जब राइड करेंगे तो कहीं जाके आगे खा लेंगे। वो फिर से बता रहा हूँ, मेरी RX बहुत अलग है। मतलब भाई की अच्छी है, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी RX थोड़ी अलग है, मैं वो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि क्यों अलग है, ठीक है। वो उसके लिए भाई चैनल में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंजॉय करो। फिलहाल आप ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा आगे आगे। बस थोड़ा वेट उसका हो रहा था, क्योंकि भाई के पास बाइक नहीं थी, भाई ने बाइक दी हुई थी, तो अब वो परफेक्ट होके आ चुकी है। छोटा मोटा काम और है, वो उसको मैनेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमारी राइड मतलब अच्छी हो जाएगी। आज तुमको ना RX की पावर से रूबरू करवाता हूँ, ठीक है, फेस टू फेस मिलवाता हूँ। बाइक फोर्थ गियर में खाली रोड है, आप नेडल देखो भाई मीटर की कहाँ पे है, ठीक है। मैं थ्रॉटल मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा भाई, ना क्लच लूंगा, कुछ नहीं। देखो नेडल देखो भाई, ये पावर है भाई इसकी, 100 पहुंचने वाली थी ये भाई। इसको फर्क नहीं पड़ता कि किस सिचुएशन में बाइक है, बस इसको पावर देनी है, मतलब खींचना है बस बुरी तरह। ये इसका भाई, ये नशे है भाई RX के। एक तो ये हल्की है और इतना अच्छा इंजन दे दिया यामा और एस्कॉर्ट ने, तो भाई पावर तो होनी थी, पागल है।
बिल्कुल रॉन्ग साइड लेके आ रहा है। मैं भाई पीछे इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि भाई मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि एक स्पीड में चलाऊं, वरना भाई पता भी नहीं चलेगी कहाँ पहुंच गई है। अब भाई दोनों बाइक्स का नामकरण करने की सोच रहा हूँ मैं, तो बताओ भाई क्या क्या नाम रखे जाए, इसका भी और इसका भी नाम बताओ भाई, ऐसे तगड़े से नाम कि हाँ लगे कि हाँ बाइक पे जच रहा है, तगड़े से नाम बताना। कोई दोनों बाइक्स के नामकरण होंगे, अपनी बाइक्स का कमेंट करके बताना। यहाँ पे रुक के कुछ खा लेते हैं और भूख लग रही है क्योंकि, और फिर मिलते हैं भाई, बाइक्स के बारे में बताते हैं आप सभी को थोड़ा सा मिलके। भाई सच्ची में यार मैं RX को चलाता हूँ ना, मेरे को थकान होने लगती है, मेरी जो ना मतलब मेरी लो बैक में थोड़ी मतलब पेन होने लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है तो उस पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट उस पर भी होने लगती है कभी कभी जब जैसे ज़्यादा लंबी राइड्स करो। बट ये तो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे को कहीं पेन फील ही नहीं हो रहा है कि पेन भी हो रहा है। तो भाई अब यहाँ रुकते हैं, कुछ खा लेते हैं, बाकी फिर यहाँ से खा के निकलते हैं, ठीक है? ओके चलो मैं मिलता हूँ आपको। One hour later. तो भाई अपना खाना पीना हो गया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं, भाई की बाइक में किक लग चुकी है, अपने भी मार लेते हैं भाई स्टार्ट। तो यहाँ से निकल चुके हैं भाई, तो भाई अपने कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी अपने GoPro की। ये भाई व्हीली मार रहे हैं क्या? अपने GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी तो वो चेंज करिए। ये देखो भाई टू स्ट्रोक के नशे। टू स्ट्रोक के नशे भाई। चलो बहुत व्हीलीज हो गए, अब चलते हैं घर की तरफ। ओ भाई अपने GoPro की बैटरी डाउन हो गई थी तो बैटरी चेंज करी है मैंने, मैं एक्स्ट्रा बैटरी लेके चलता हूँ GoPro की, क्योंकि बैटरी ज़्यादा देर चलती नहीं है, 40 मिनट के आसपास ही रिकॉर्ड कर पाती है ये, मतलब उससे कम ही कर पाती है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा बैटरी लेके चलता हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम वापस घर की तरफ और इस वीडियो को एंड करने का भी टाइम आ ही गया है। ओके छोटी सी रोलिंग रेस करना चाहते हैं भाई, मेरे से थोड़ी जीत जाएगी यार, ये तो चीज अलग बना दी मैंने, इससे कहां जीत पाएगी। गैप देखोगे, देखो गैप, देखो गैप, गैप देखो गैप, इसको पास आने देते हैं। ये देखो भाई अब निकलिया, जब थ्रॉटल में छोड़ा था पल्ले की नब्बे पकड़ लेगी, देखो ये तो चीज ही अलग है। इसका सीक्रेट तो भाई आपको आने वाले वीडियो में ही पता चलेगा भाई, क्यों भाई मेरी RX इतनी फास्ट। जो लोग बोलते हैं ना भाई मेरी RX में कमी है, दिक्कत है, भाई प्लीज़ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके पास RX है ना तो प्लीज़ एक बार मेरी बाइक के साइड में आप लगा लो और देख लेते हैं भाई मेरी RX में कमी है या फिर नहीं है, पता चल जाएगा भाई। मेरी RX के साइड में लगा लो आप, और मैंने तो एलॉय भी डाल रखे हैं, एलॉय पे ही खा जाएगी भाई, एलॉय पे ही खा जाएगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैंने रिम चेंज कर दिए ना भाई फिर ये 150cc तक भी भाई खा जाएगी बाइक्स। तो भाई यही था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भाई अगर कोई दिल की बात है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना जरूर, मैं आपको आपके दिल की बात जरूर पूरी करूँगा। तो मैं तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको फिर एक बार ऐसे अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।